नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जनसंसद आपको लेके आया है करोल बाग 100 क्वार्टर के नाम से। बहुत बड़ी एरिया है जो मशहूर मानी जाती रही है। जी हां, करोल बाग में आने का मकसद केवल एक था, पंडित जवाहर लाल उज्जैनवाल। वह शख्सियत है कि मदन लाल खुराना के ज़माने से, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं रहा हिंदुस्तान में, उस समय से ये भारतीय जनता पार्टी में रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके साथ अब पुरस्कार का इतना बड़ा भंडार मिला हुआ है कि पुरस्कृत करते हुए कितने बार, मुझे लगता है कि करीब सैकड़ों बार पुरस्कार से ये इन्हें सम्मानित किया गया है, जिनके सारे शील्ड मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके इस शयन कक्ष में, जहाँ ये निवास करते हैं, जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ पे इस तरीके से तस्वीरें लगाए बैठे हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा आज कि पंडित जवाहरलाल उज्जैनवाल जी भाजपा में जब से आए और पूरी भाजपा की तस्वीरें देखते रहे, आज मैं जानना चाहूँगा कि उनको अब भाजपा की बढ़त देख करके, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, उस पर क्या कुछ कहते हैं पंडित जवाहर लाल। हाँ जी हाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं किस तरीके से वो तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इन्होंने अपना कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी में रह करके अपने पार्टी के लिए हर वक्त, हर सेकंड इनके दिल में जो भाजपा के प्रति प्यार रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये प्रूफ आपको दिखा सकते हैं कि ये माननीय राजनाथ सिंह के साथ भी रहे, माननीय मदन लाल खुराना जी के साथ रहे हैं, और किस तरीके से इनका आप ये देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वह शख्सियत हैं जो कहीं ना कहीं करोल बाग स्थिति इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ कहे जाते हैं। तो जी हाँ, मैं आपसे रूबरू कराऊँगा। जी पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। जवाहरलाल उज्जैनवाल जी, आप कितने दिनों से हैं भारतीय जनता पार्टी में और क्या सोच के आए थे और कहां आज आपको कैसा महसूस हो रहा, कुछ कहें। नमस्कार जी, मैं जब से हूं, जब से मदन लाल खुराना जी थे, बीए कुमार मल्होत्रा जी थे और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस टाइम से हम बीजेपी के अंदर रहे हैं। जिस टाइम के जंक्शन गोया करती थी तो उस कार्यक्रम में थे। उसके बाद फिर मैंने अपने लड़के को आगे करते हैं, विकास उज्जैनवाल को। अब विकास उज्जैनवाल इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लाख जो भी सेवा होती है हम करते हैं, समाज का भला करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जो है हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं, आज उनको दो दो तीन तीन महीने हो गए, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, इस कच्चों की पक्कों की। ये बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आम पार्टी जो है ये देने का नाम नहीं कर रही। कॉरपोरेशन वाले जो हमारे कौंसलर साहब हैं वो कहते हैं जी हमें आगे से पैसा नहीं आ रहा। जी बेचारे इनके घरों का हाल बहुत ख़राब हुआ हुआ इस टाइम। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार को थोड़ा हमारी तरफ ध्यान करना चाहिए, बाल्मीक समाज की तरफ, कि हमारे बाल्मीक समाज के जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं बेचारे इस टाइम। उनकी दो दो महीने की तनख्वाह, तीन तीन महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही, कच्चों को भी नहीं मिल रही ना पक्कों को मिल रही। तो कृपया इनकी तनख्वाह दिलवाई जाए, वह इतनी आप लोगों से प्रार्थना मेरी है। जय हिंद। अब आपकी सेंट्रल में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, लेकिन दिल्ली सरकार में तो जी आम पार्टी है ना जी, दिल्ली सरकार में तो आम पार्टी के है, तो इसलिए समस्या ये खड़ी हो रही है। हमारी पार्टी होती, हमारी बीजेपी होती आम दिल्ली सरकार के अंदर, तो हमें कहने का मौका ही नहीं मिलता जी, कहने का मौका नहीं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना सरकार से ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा गरीब जनता के ऊपर ध्यान दिया जाए, बाल्मीक समाज के ऊपर, सफाई कर्मचारियों के ऊपर। अच्छा पंडित जी, आप ये मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सारे के सारे जो आपको शील्ड मिले हुए हैं, जो पुरस्कृत किए, सम्मानित किए गए आप अपने पूरे इस राजनीति जीवन के अंदर जी, तो उसमें आपको आज के डेट में क्या महसूस हो रहा है कि इतने, या तो ये सारे शील्ड कभी डॉक्टर हर्षवर्धन के घरों में मिले हैं या तो आपके पास मिले हैं, ये और सबसे बड़ी सवाल यह है कि चार दिन से जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पदों पे चले जा रहे हैं और आप जैसे नेताओं को आज तक क्या पार्टी पूछती नहीं क्या? नहीं, पार्टी पूछती है। जितने भी हमारे क्षेत्र के जितने भी नेता हैं, जितने भी मतलब हमारे विधानसभा के जो भी हैं कार्यकर्ता हैं, जो सब पूछते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको पंडित की उपाधि मिली है और आप वाल्मीकि समाज से हैं। हाँ, वो इसलिए मिली है कि हमारे पिताजी थे वाल्मीकि मंदिर के पंडित
पूजा किया करते थे, उसके बाद फिर हमारा नंबर उन्होंने लगाया तो हम पूजा किया करते थे, तो लोग बागों ने मतलब समाज ने और दूसरे मतलब समाज ने हमें पंडित जी कहना चालू कर दिया, इसलिए पंडित जी नाम हमारा पड़ गया, पंडित जी के नाम से ही हमें मशहूर हैं, पंडित जी के नाम। हाँ जी, आप देख रहे थे ये हैं पंडित जी, वो पंडित जी का पूरा नाम जवाहरलाल उज्जैनवाल जी है, जिन्हें भगवान की सेवा करते मंदिर के पुजारी के रूप में भी रहे और उसी प्रकार से इन्होंने जनता की भी सेवा की और इस एरिया की जनता आज भी उन्हें बहुत सम्मानित नज़रिए से देखती हुई और पंडित जी के नाम से पूरा करोल बाग में ये मशहूर हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने एक बात अपने जेहन से कह दी कि अब तो मैं अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम कर दिया कि बेटा ही मेरा कार्यभार संभालेगा। उनका बेटे हैं विकास उज्जैनवाल, वह भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हर समय ये जो है कि सेवा में लगे रहते हैं, जो जनता के हर दुख दर्द में सम्मिलित रहे।